एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है जैसे कि जन्माष्टमी, तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी के घर लड्डू गोपाल आए छोटे छोटे से, और कहते हैं आपको सब में बहुत खुशियाँ हैं। लड्डू गोपाल सब भी सुने आप, बाद में मेरी भी सुने। और जैसे कि अब दोपहर हो रही है, देखो धूप कितनी तेज हो रही, बहुत ही धूप हो रही है। इधर मेरा नैतिक हो गया था यार, उसे कृष्ण जी बनना था, मेरा लड्डू गोपाल बनना था। तो कह रहा था मम्मी मुझे भी रेडी करो ना, मैंने नैतिक यहाँ पे कर दिया रेडी। और बताना मेरे नैतिक रेडी होगा, कैसे लग रहा है मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल, प्यारा सा। और कहते हैं देखो कैसे बैठा, डिस्टर्ब हो रहा है। कहते इधर मम्मी करने लगी थी बर्फ़ी, जो पंजीरी जमाते हैं कृष्ण जी के, जो हर साल में एक ही बार मैं बनाती हूँ या मम्मी बनाती है, मुझे बनानी नहीं आती। इधर मम्मी ने 2 किलो घिया लिया है, उसे चढ़ा रही है गैस पे, उसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि घिया ना पानी बहुत छोड़ता है। तो मम्मी कह रही थी मैं इसे निचोड़ के हल्का हल्का सा और इसे चढ़ा देती हूँ गैस पे। मैं कहा ठीक है। इधर मम्मी जो है, और इधर कहते मम्मी कहती 2 किलो घिया में मम्मी ने 2 कटोरी ही चीनी डाली है कि इतना भाई। और जो जैसा मीठा खाता है, मम्मी थोड़ा सा तेज़ मीठा खाते हैं, मैं कम खाती हूँ, और पापा भी तेज़ मीठा खाते हैं, तो इस मारे थोड़ा सा पापा का ध्यान रख के ये हम घिया की बर्फी मम्मी ने बनाई है। और इसके बाद मैं करने लगी थी अपने लड्डू गोपाल को तैयार रेडी, जो कि मैंने सुबह नहीं किया, मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। सबका देखो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई सुबह ही नहला देता है, कोई कैसे कर देता है। मैं इतना नहीं कर पाती क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से नहीं होता। तो मेरे को जैसे टाइम लगता है मैं इसके पापा का सहारा देखती हूँ कि जब वो फ्री हो जाए या वो बच्चों को पता देख लें, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूँ। इधर मैं करने लगी उनको तैयार, और ये मैं उनकी ड्रेस लाई थी जो कि बहुत ही प्यारी है, और पहली बार है जो इनका मैं प्यारा सा मुकुट लेके आई हूँ, और मिल भी गया मुझे जैसा मैं चाह रही थी मुकुट। नहीं तो मुझे कभी इनका जो मुकुट है ना अच्छा नहीं मिलता, जैसे मिलता तो था लेकिन लेती भी थी लेकिन इतना नहीं। और ये मुकुट मेरा बहुत प्यारा लगा, यहाँ पे मैं माला पहनाना भूल गई थी। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल के, छोटे से लड्डू गोपाल के माला भी पहनाई थी जो मैं लेके आई थी, छोटी सी बांसुरी। सब कुछ मैं मैच का लेके आई थी, सब कुछ मैच का मिल भी गया था मुझे, पहली बार तो जो सब कुछ मुझे मैच का मिला। और इधर मेरे लड्डू गोपाल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप सभी मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। देखो नैतिक कितनी धूप में क्या कर रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। इस लड़के को चैन नहीं है, ट्यूशन से आके और देखो अब साइकिल चला रहा है इतनी धूप में गली में, दिखाती हूँ आपको। खड़ा हो जा बेटे, हैं? क्यों भाई? नहीं धूप में मत खेल, साइकिल के राउंड वहीं पे
यहाँ पे देख छाए है, यहाँ पे चला ले छाए, छाए में खेल मत, चल और लगा के दो तीन राउंड ऊपर आ जा, ठीक है भाई? ठीक है को, ठीक है, दो तीन राउंड लगा के ऊपर आ जा, ठीक। और उसके बाद शाम को हमारे सामेदा कीर्तन और दही हांडी का कंपटीशन जो कि बच्चे करते हैं। और इधर लड्डू गोपाल को हमने, लड्डू गोपाल पधार गए थे हमारे घर और ये हमें उसी कीर्तन में सबको दिया था जो पालना है लड्डू गोपाल का। और हमारे घर में था भी नहीं तो नैतिक से लेके बड़ा खुश था कि मम्मी देखो तो हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी पालना मिल गया, यानी झूला मिल गया है। तो चलो अच्छी बात है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।